हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इंस्टाग्राम वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम एंड इंस्टाग्राम ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। वैसे तो मैंने इस पे एक दो वीडियो बनाई है जो कि वो भी वर्किंग थी और लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल थी, बट इस वीडियो में आपको कोई भी डुअल ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्लोन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधे मेन ऐप में चला सकते हैं। तो अब तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैंने बताया है उन सब सॉल्यूशन का भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये, तो बिल्कुल भी वीडियो को देखना मत भूलिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम कुछ सॉल्व करेंगे वाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन एंड जिन लोग का पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं वो सब सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम लाइट हो तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ओके, अनइंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि अगर हम अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर हम इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो जो आईडी लॉगिन है वही हमारी आईडी फिर से लॉगिन हो जाएगी एंड प्रॉब्लम यहाँ पे वैसे ही वैसी बनी रहेगी। तो इसलिए हमको जाना है अपने प्ले स्टोर में एंड प्ले स्टोर में आपको डालना है इंस्टाग्राम लाइट। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम लाइट डाल देंगे एंड इंस्टाग्राम लाइट को आप यहां से इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं जैसे कि इंस्टॉल कर ली हूं तो अब इसको यहां पे ओपन कर लेती हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इंस्टाग्राम जो है ओपन करना है, ये लाइट क्यों ओपन करवा रहे हैं। सो आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं ये लॉगिन में। ओके, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड लॉगिन। तो हम यहाँ पर लॉगिन में गए, तो लॉगिन में जैसे यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे गेट हेल्पिंग लॉगिंग इन। ओके, तो हम यहाँ पे गेट हेल्प लॉगिंग तो यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर योर यूज़र नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। तो यहाँ पर आपको ना तो आपका मोबाइल नंबर डालना है ना ही ईमेल डालना है, आपको डालना है आपका नाम जो कि आपके इंस्टाग्राम में है। तो जैसे कि मेरा जो नाम है मैं डाल देती हूँ देवांशी 8502। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं देवांशी 8502 डाल दी हूँ एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखिए मेरी प्रोफाइल यहाँ पे शो करने लग गई है एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंड एन ईमेल, सेंड एन एसएमएस, लॉगिन विथ फेसबुक। तो हमको अगर आपने फेसबुक के थ्रू किया है तो आप सीधे यहाँ से फेसबुक कर सकते हैं, बट अगर आपने फेसबुक के थ्रू नहीं किया है या आपका जो मैसेज के थ्रू है तो आपको यहाँ पे अपने लाइट से जा करके किसी ईमेल से कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, अगर आपका ईमेल से ही है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ईमेल में टच कर लेना है। तो हम सेंड एन ईमेल कर देते हैं एंड ईमेल सेंड आ गया है तो हम ओके कर लेते हैं। ओके के बाद अभी हम अपने ईमेल में जाते हैं, आपको अपने जीमेल में यहाँ से चले जाना है। तो हम यहाँ पे अपने जीमेल में गए एंड जीमेल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा आ गया है, ये देखिए यहाँ पे हमारा लॉगिन ऑप्शन आ गया है। तो लॉगिन एज देवांशी इतना करके है या रिसेट योर पासवर्ड, तो आपको लॉगिन एज में नहीं करना है, याद रखिएगा आपको रिसेट योर पासवर्ड पे टच करना है। लेकिन रिसेट योर पासवर्ड टच करने से पहले आपको याद रखना है, आपको बैक होना है एंड जाना है अपने इंस्टाग्राम लाइट को यहाँ से ऐप इन्फो में जा कर के और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। तो हम यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब हमारे पास ये अनइंस्टॉल हो चुका है एंड अनइंस्टॉल होने के बाद देखिए हमारा जो, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, सॉरी थोड़ा, तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा अब इंस्टाग्राम जो लाइट है वो जा चुका है, हमारे पास केवल इंस्टाग्राम है एंड अभी ओपन करेंगे तो अभी देखिए हमारा ये वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम ही दिखाई देगा, यहाँ पे अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन अब हम अपने जीमेल में जाते हैं जो हमने ओटीपी मंगाई थी, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं जीमेल में एंड जीमेल में जो भी ओटीपी है हम इस पर टच करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए अपने जीमेल में एंड हमें यहाँ पे करना है
रिसेट योर पासवर्ड। याद रखिएगा, आपको लॉग इन विथ जो भी है उससे नहीं करना है, आपको रिसेट योर पासवर्ड कर देना है। रिसेट योर पासवर्ड में जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू लॉग इन करना है। ओके, तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लॉग इन हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरा पासवर्ड पड़ चुकेगा, मैं रिसेट पासवर्ड कर दूँगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिसेट पासवर्ड नहीं करना है, हमें यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो भी है, आपका ओल्ड पासवर्ड बोल के नहीं डालिएगा, जो भी आपका न्यू पासवर्ड आप बनाना चाहें तो वो डालिएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, और जैसे ही मेरा पासवर्ड पड़ जाता है, इसके बाद मैं आगे करती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने अपना जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे डाल दिया है, एंड डालने के बाद हमको यहाँ से यस कर देना है। तो यस करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार फिर से पॉज करती हूँ, पासवर्ड मैच करा लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, एंड पासवर्ड डालने के बाद इस बार हमारा जो पासवर्ड है वो हमारा सही हो गया है। अभी हमारा जो पासवर्ड था मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा ये रिसेट पासवर्ड नहीं आ रहा था। तो अब जैसे कि हमने दोनों में सेम पासवर्ड आपको डालना है, तो हमने डाल दिया है, एंड यहाँ पर रिसेट पासवर्ड कर देंगे। तो जैसे ही रिसेट करेंगे, कुछ इस तरह से हमारा जो है थोड़ा सा बफरिंग होगी। अगर नेटवर्क आपका सही होगा तो तुरंत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मेन ऐप है, ये देखिए मेरा जो मेन अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे ना मिले। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो भी है मेन एप्लीकेशन वो हमारा हो चुका है। तो अभी हम इसको हटा के देखते हैं एक बार कि क्या जो है हमारा जो इंस्टाग्राम है वो अब ओपन हो रहा है या नहीं। अब हमको क्या करना है, हम दोबारा से अब अपना इंस्टाग्राम ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो इंस्टाग्राम है, देखिए हमारी मेन एप्लीकेशन जो कि मेन एप्लीकेशन है वो हमारी ओपन हो चुकी है। बिना अब मतलब आपको फर्स्ट टाइम ही बस आपको पासवर्ड रिसेट करना है, इसके बाद आप जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉग आउट कर देंगे, तो लॉग आउट करने के बाद फिर से आपका वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए अगर आप लॉग आउट कीजिएगा तो इसके पहले आपको क्या करना है कि जो भी ट्रिक मैंने अभी बताई है वो पूरा आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो लॉग आउट करेंगे तो उसके बाद फिर से आपको फॉरगॉट ही करना पड़ेगा, या फिर आप ओपन विथ कर भी सकते हैं वहाँ से भी, बट ओपन विथ में फिर आपका प्रॉब्लम होगा वाइट स्क्रीन वाला। सो आपको लॉग आउट करके, अगर आप लॉग आउट करते हैं तो लॉग इन के लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके फिर से रिसेट करना होगा, एंड कुछ इस तरह से आप अपने मेन ऐप को चला सकते हैं। एंड यहाँ पर सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, कोई भी डुप्लीकेट ऐप नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं दूसरा ऐप दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे दूसरा ऐप खोल दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक ही है इंस्टाग्राम, मैंने इसी को ओपन किया है, एंड इसमें मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।